राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम ज्ञापन देने पहुंचा तो नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त ने सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रता करते हुए लाठी से मारने की कोशिश की। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। सफाई कर्मचारियों की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन देने गए राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारी अपर नगर आयुक्त के व्यवहार से खासे नाराज हुए। परिस्थितियों को भांपते हुए अपर नगर आयुक्त ने ज्ञापन लेकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए मामले को शांत किया। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रामजीलाल विद्यार्थी ने विस्तृत जानकारी दी। दरअसल राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ यहां पर अपना ज्ञापन देने के लिए आया था। बड़े साहब मौजूद नहीं थे, अपर नगर आयुक्त मौजूद थे। हमने उनको ज्ञापन दिया, ज्ञापन उन्होंने लिया, फोटोकॉपी भी हुई। उसके बाद फिर वार्ता के लिए जब बैठे तो हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठे हुए थे, तो वार्ता के दौरान जो है उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इतने कर्मचारी क्यों ले आए, इतने लोगों को क्यों ले आए। उसमें एक कर्मचारी ने, एक हमारे साथी ने ये कहा कि आप जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने लाठी उठा ली और गाली दी, जिसकी वजह से हम सारे लोग जो है उनसे नाराज़ हुए कि एक आप अधिकारी होकर और इस तरीके का बर्ताव। पहली बात तो यहाँ ऑफिस में लाठी रखने का मतलब क्या है, क्यों लाठी रखे हुए हो यहाँ? इसका मतलब ये है कि ये अधिकारी जो है हर समय तनाव में रहता है, और प्रतिनिधि मंडल से किस तरीके से बात की जानी चाहिए वो सभ्यता उनमें नज़र नहीं आ रही थी। बाद में जो है उन्होंने पहले भी विवादित रहे हैं और आज तो प्रत्यक्ष रूप से रहे हैं, तो उसका हमने सख्त विरोध करा है। हम ना ऑफिस से हटे, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिया, किसको सबको बुला लिया, और जो उनके शुभचिंतक थे उनको भी बुला लिया, लेकिन हम वहाँ से हटे नहीं कि बुलाओ गिरफ्तारी करो। लेकिन तुमने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा, लाठी क्यों उठाई, गाली क्यों दी किसी प्रतिनिधिमंडल से इस तरीके से, कोई हम डीएम से भी मिलने। बाद में फिर हम सब लोग निकल आए, काफ़ी कहासुनी होने के बाद दोबारा फिर उन्होंने बुलाया, और दोबारा बुलाकर एक शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने बातचीत करी। कहने लगे कि हमने जो है चेहरे नहीं पहचाने थे कि आप लोग हैं, तो अब मैंने चेहरे पहचान लिए और मैं माफ़ी मांगता हूं कि कोई गलती हो गई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भले ही सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा बनाकर सम्मानित किया गया हो, लेकिन अपर नगर आयुक्त आगरा द्वारा सफाई कर्मी के साथ गाली गलौज और लाठी से पीटने की धमकी अधिकारी की मानसिकता को दर्शाती है। अधिकारियों की यह मानसिकता देश के लिए एक नासूर बनी हुई है, जिसका खामियाजा बाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को भुगतना पड़ता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए मनोज कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रवेश प्रारंभ, संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज, नई आबादी, अजीता का नगला, आगरा। संपर्क करें 9927087687। प्रवेश प्रारंभ, संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज, नई आबादी, अजीता का नगला, आगरा। संपर्क करें 9927087687। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय, ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795।